तो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्पिंग हैंड ट्रेडर्स में। तो गाइस महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस सर्विस लिमिटेड Q1 2021-22 का रिजल्ट आ गया है। चलिए रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं, पर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी खबरें सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो चलिए रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं गाइस। जो रिजल्ट है वो करोड़्स में दिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी की टोटल इनकम्स की। तो कंपनी को इस क्वार्टर में जो टोटल इनकम हुई है वो हुई है 2,566.84 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में हुई थी 3,038.37 करोड़ और लास्ट ईयर हुई थी 3,068.68 करोड़। अगर हम बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंस की, तो कंपनी को इस क्वार्टर में जो टोटल एक्सपेंस हुए हैं वो हैं 4,725.08 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में थे 2,796.8 करोड़ और लास्ट ईयर थे 2,806.86 करोड़। अगर हम बात करते हैं अब कंपनी के प्रॉफिट्स की, तो कंपनी की जो टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम, अगर हम कहें कंपनी के प्रॉफिट और लॉस, तो कंपनी को इस क्वार्टर में बहुत लॉस हुआ है, 1,543 करोड़ का लॉस हुआ है। अगर हम कंपनी के लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं तो कंपनी को लास्ट क्वार्टर 124 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और लास्ट ईयर की बात करते हैं तो कंपनी को 440 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। जैसा कि आप देख सकते हैं रिजल्ट, कंपनी का इस बार का रिजल्ट बहुत ही बुरा आया है, कंपनी को बहुत लॉस हुआ है इस क्वार्टर में, तो कंपनी के शेयर का प्राइस गिर सकता है। अगर हम एक बार अर्निंग्स पर शेयर भी देख लेते हैं तो कंपनी को इस बार लॉस हुआ है 12.77 रुपीज़ पर शेयर। अगर हम लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं तो कंपनी का 1.76 रुपीज़ की अर्निंग हुई थी पर शेयर से और लास्ट ईयर की बात करते हैं तो कंपनी को 4.8 रुपीज़ की अर्निंग हुई थी पर शेयर से। तो गाइस रिजल्ट को देखकर हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के शेयर का प्राइस गिर सकता है। तो चलिए गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी खबरें सबसे पहले प्राप्त कर सकें। तो चलिए गाइस अब हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।